दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एमपीजी 2 बॉक्स में और एमपीजी 4 बॉक्स में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे जानने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, व्हाट्सअप किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि एमपीजी 2 और एमपीजी 4 बॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, हमें एमपीजी 4 क्यों लेना चाहिए और हमें एमपीजी 2 क्यों नहीं लेना चाहिए, हमें एमपीजी 2 क्यों लेना चाहिए, एमपीजी 4 क्यों नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आइए चलते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि हमारे हाथ में ये वाला जो सेटअप बॉक्स है ये एमपीजी 2 सेटअप बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये वाला जो है हाईटेक का, ये वाला हमारे पास में एमपीजी 4 सेटअप बॉक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डब्बे को भी हम बाहर निकाल लें। तो दोस्तों देखेंगे, हमने डब्बे को बाहर निकाल लिया है इसको, और आप देखेंगे एक हमारे पास में एमपीजी 2 है और एक देखेंगे एमपीजी 4 है। ये दोनों सेटअप बॉक्स हमारे पास में है, नीचे वाला जो है एमपीजी 4 है और ऊपर वाला जो है एमपीजी 2 है, ये दो सेटअप बॉक्स हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एमपीजी 2 में सबसे पहले बताऊँ क्या क्या एसेसरीज आपको मिलती हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये एमपीजी 2 है, इसके साथ में आपको मिलेगा एक एवी केबल, ये रहा, और एक मिलेगा ये वाला रिमोट, ठीक है। और एमपीजी 4 के साथ में एक मिलेगा आपको ये पावर एडाप्टर, एक मिलेगा ये वाला रिमोट, और एक मिलेगा ये वाला एवी केबल। तो दोस्तों ये चीज़ें मिलती हैं आपको एमपीजी 4 में और ये मिलती हैं आपको एमपीजी 2 में। तो दोनों ही बॉक्स के साथ में जो एसेसरीज आपको मिलती है वो ये है, इसके अंदर पावर सप्लाई लगी होती है, तो इसके लिए इसके साथ में पावर एडाप्टर नहीं है, इसके साथ में पावर सप्लाई नहीं लगी है, तो इसलिए इसके साथ में ये पावर एडाप्टर अलग से दिया है। तो अभी मैं ये एसेसरी उठा देता हूँ। तो दोस्तों एमपीजी 2 बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ एमपीजी 2 वाले जो चैनल्स हैं वही चैनल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन एमपीजी 4 बॉक्स में आपको एचडी चैनल्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके मेनू का लुक बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसके मेनू का लुक नीले रंग का जैसा आपने देखा वैसा ही आता है। इस बॉक्स के अंदर जो कार्ड होता है उस कार्ड की जो आईसी होती है वो कार्ड की आईसी में आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाते हैं, जबकि इसके अंदर उतने फंक्शन आपको नहीं मिल पाते हैं। और ये वाले बॉक्स में यानी कि एमपीजी 4 बॉक्स में आप वाईफाई वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे इसमें आपको यहाँ पे आप वाईफाई डोंगल लगा सकते हैं, यूट्यूब वगैरह वो सारी चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। HDMI केबल के लिए इसमें आउटपुट मिल जाता है, क्लियरिटी अच्छी आने के लिए HD चैनल्स वगैरह देखने के लिए आपको यहाँ पे HDMI पोर्ट मिल जाता है, जबकि आपको इस बॉक्स में HDMI पोर्ट नहीं मिलता है, ना ही आपको वाईफाई के लिए पोर्ट मिलता है। ये MPG 2 बॉक्स है, ये MPG 4 बॉक्स है, आप देख सकते हैं इनमें डिफरेंस कितना है। AV केबल लगा सकते हैं, MPG 2 बॉक्स में भी AV केबल लगा सकते हैं। MPG 4 बॉक्स में आपको HDMI केबल का मिल जाता है, MPG 2 बॉक्स में आपको नहीं मिलता है। MPG 4 बॉक्स में आपको वाईफाई डोंगल या पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए स्लॉट मिल जाता है, लेकिन MPG 2 बॉक्स में नहीं मिलता है। डिश एंटीना से जो केबल आएगा वो आपका इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, लेकिन MPG 2 में ये वाला जो स्लॉट आपका दिया है इसके थ्रू आप दूसरे सेटअप बॉक्स में आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आपको डिश एंटीना से डायरेक्ट केबल नहीं लगाना पड़ेगा, आप यहाँ से यहाँ एक केबल लगा दीजिए तो दोनों सेटअप बॉक्स आपके एक साथ काम करेंगे, लेकिन चैनल आप अलग अलग उस पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इतना डिफरेंस इसके अंदर होता है कि इसमें आप HD चैनल का आनंद ले सकते हैं, इसमें आप HD चैनल्स का आनंद नहीं ले सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर आप सी बैंड या KU बैंड कोई भी सैटेलाइट है MPG 4 सेटअप बॉक्स में उसके HD चैनल्स फ्री टू एयर जो आ रहे होंगे उनका भी आनंद ले लेंगे, लेकिन MPG 2 बॉक्स में सिर्फ MPG 2 वाले जो चैनल होंगे सिर्फ उन्हीं का आनंद आपको MPG 2 बॉक्स में मिल पाता है। तो इतना डिफरेंस इन दोनों बॉक्स में होता है MPG 2 में और MPG 4 में। और मेरी राय यही रहती है कि आप MPG 4 बॉक्स ही खरीदें। MPG 4 बॉक्स थोड़ा सा महंगा होता है MPG 2 बॉक्स के मुकाबले, लेकिन अगर आपको डिश एंटीना वगैरह सेट करना है तो MPG 4 बॉक्स में सिग्नल कभी भी ओके नहीं होते हैं, अप डाउन होते हैं, किसी में 40% बताता है, किसी में 43 बताएगा सबसे ज़्यादा, किसी में 50 बताएगा सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, 0, 7, 8, 15 आपको कभी भी नहीं बताएगा, डायरेक्ट फ्लैक्चुएट करना शुरू कर देगा। लेकिन MPG 2 बॉक्स में आपको सिग्नल प्रॉपर बताता है, अगर आपका MPG 2 बॉक्स बड़ी IC का कार्ड है तो आपको MPG 2 बॉक्स में सिग्नल बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। और अगर आप MPG 2 बॉक्स खरीदना चाहते हैं तो MPG 2 बॉक्स हमेशा बड़ी ही IC में खरीदिएगा, छोटी IC में खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिग्नल आपके बराबर नहीं आते हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी जो मैंने आपको बताई है MPG 2 और MPG 4 बॉक्स की, मेरे ख्याल से आप संतुष्ट होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इसमें जानना है, पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंस इसके अंदर होते हैं, जैसे कि आपको डिस्क यूसी स्विच के जो सेक्शंस होते हैं उसमें डिफरेंस मिल जाते हैं। इसमें वन डिस्क यूसी 1, 2, 3, 4 मिलता है, इसमें डिस्क यूसी आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। और मेनू के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शन ज़्यादा होते हैं, इसमें फंक्शन उतने नहीं होते हैं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी बॉक्स चाहिए, चाहे आपको हाईटेक का MPG 4 बॉक्स, HD बॉक्स भी इसको बोलते हैं, चाहे आपको ये HD बॉक्स हाईटेक का चाहिए, हाईटेक गैलेक्सी इसका नाम है, या फिर आपको MPG 2 बॉक्स चाहिए, MR का MPG 2 बॉक्स है, तो इनमें से कोई भी बॉक्स आप ले सकते हैं। उसके लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, सुझाव आप अपने दीजिएगा हमारे कमेंट सेशन में, और अगर आपको बॉक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप वहाँ पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनमें से कोई भी बॉक्स आपको चाहिए, ये बॉक्स बहुत ही सस्ता होता है, ये बॉक्स इससे थोड़ा सा महंगा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।